असलम व्यूअर्स वेलकम बैक टू माई चैनल होफ़ आर डोइंगल अलहमदिल्ला मॉल फाइन आज मैं जा रही हूँ एम्पोरियम घूमने और एम्पोरियम में मूवी देखने तो लेट्स गो विद मी आज आपको मैं एम्पोरियम मॉल दिखाती हूँ हम वैसे बहुत लेट हो गए हैं हम घर से काफ़ी लेट निकले थे लेकिन हमारा प्लान है कि हम जो लास्ट शो है मूवी नाइट वो देखें ये है जी एम्पोरियम की एंट्रेंस अच्छा तो आजकल विंटर है ना शदीद वाली फ़ोग है और ठंड है तो हमारा होता है कि यार हम डेली कहीं ना कहीं घूमने जाएं क्योंकि सर्दियाँ रोज़ रोज़ नहीं आती सच में गर्मियाँ तो नौ महीने जानी छोड़ती लेकिन सर्दियाँ दो तीन महीने की मेहमान है और हमारे लिए तो वाकई मेहमान है तो इसलिए हमने सोचा है यहाँ पर जी भर के इन्जॉय कर लें तो ये जी हमने इम्पोरियम एंट्री मार ली थी और यहाँ पर बेहद खूबसूरत सीन है फोटोग्राफी के लिए मैं आपको सारा दिखाती हूँ वैसे हुआ कि हम काफ़ी लेट थे हमने गूगल पर चेक किया था तो एलेवन ओ की टाइमिंग थी और इसके क्लोज होने की लेकिन ये दस बजे बंद हो गया और हम एग्जैक्ट दस बजे ही पहुँचे थे तो ये बस थोड़े बहुत मैंने सोचा आपको सीन्स दिखा दो लेकिन जितने भी आउटलेट्स थी वो सभी क्लोज हो चुकी थी मैंने अपने लिए एक दो तो चीज़ें लेनी थी लेकिन मैं नहीं ले पाई फिर हमने सोचा यार मूवी का प्लान तो था ही तो क्यों ना हम मूवी को ही इंजॉय करते हैं और चूंकि भूख लगी थी तो पहले हमने सोचा कुछ खा पी लें लेकिन उससे पहले हम गए इसके सिनेमा वहाँ से हमने देखा कि कौन सी मूवी देखें कौन सी नहीं देखें और लास्ट शो कौन से वाला है तो ये सारी डिटेल्स देने के लिए हम अभी ऊपर जा रहे हैं सच में गाइस एम्पोरियम मॉल बहुत खूबसूरत है बेहद खूबसूरत है ये काफ़ी बड़ा भी है ये हमें काफ़ी दूर पड़ता है इसलिए हम यहाँ पर काफ़ी अरसे बाद आए हैं शादी से पहले आई थी मैं यहाँ पे लेकिन इमरान के साथ मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ पैकेजेज़ तो हमें बहुत नज़दीक है इसलिए हम वहाँ जाते रहते हैं लेकिन ये ज़्यादा ब्यूटीफुल है यहाँ पर आपको पिक्चर्स लेने के लिए बहुत प्यारे सीन्स मिलेंगे और ये सिनेमा में इसके डिफरेंट पोस्टर्स थे मूवीज़ के लिए इमरान तो वैसे इंग्लिश मूवीज लाइक करते हैं लेकिन मेरा दिल था कोई पंजाबी मूवी देखें जो कि फनी होती है क्योंकि उनके डायलॉग्स बड़े मजे के होते हैं वो भी है लेजेंड ऑफ़ और फिर हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी मूवी देखें क्योंकि इमरान का पसंद थी ये एक्वा मैन उनका प्लान था एक्वा मैन देखें लेकिन उमर को जो लड़का है जॉन स्टीफन आई थिंक इसका नेम है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वो है एक्टर इसकी मूवीज़ बहुत मजे की होती हैं तो उमर कह रहे थे यार इसकी मूवी देखनी है लेकिन ये भी लगी नहीं थी तो खैर प्लान करने के बाद हमने टिकट्स ली और हम चले गए बर्गर लैब पे क्योंकि हमें बहुत भूख लगी हुई थी और मैंने बर्गर लैब का बर्गर फर्स्ट टाइम खाया है और ये इन्होंने जब ना हमें मेन्यू दिया और डिफरेंट तरह के बर्गर्स थे इनके पास काफ़ी अच्छी डील्स भी थी ये सारा मेन्यू मैंने सोचा आपको दिखा दो इनके प्राइसेस भी मैंशन है क्योंकि अगर कोई चाहता है कि इनके बर्गर्स खाएं और इनकी प्राइजेस जो हैं वो किस हिसाब से है तो आप यहाँ देख सकते हैं वैसे आप गूगल पर भी चेक कर सकते हैं नो इशू लेकिन बाकी ये इनकी सेटिंग थी सेटिंग भी इनकी काफ़ी अच्छी थी कंफर्टेबल थी और सीन्स भी अच्छे थे क्योंकि लड़कियों को खाना हजम हाँ ही नहीं होता जब तक वो उसके पिक्चर्स ना ले लें और अगर पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी तो मूड स्पॉइल हो जाएगा तो हमने कुछ पिक्चर्स ली अपनी यहाँ पर बहुत सारी और ये हमारा फिर अभी ऑर्डर आ गया था इनके बर्गर्स नो डाउट बहुत टेस्टी थे मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा है आज एक तो यार लोगों ने बर्गर्स के अजीब अजीब से नाम रखे होते हैं तो समझ नहीं आती पहले बस दो ही होते थे एक पैटी और एक जिंगर और अब पता नहीं कौन कौन से बुला के बर्गर निकले हुए हैं लेकिन टेस्ट मैटर्स अ लॉट तो जहाँ पर टेस्ट अच्छा हो तो आप वहीं पर जाएं और खाना शाना खा के फिर हमने का यार टाइम हो गया एलेवन थर्टी का शो था और अभी हम जा रहे हैं कुछ पॉपकॉर्न वगैरह लेने के लिए क्योंकि वे बैठ कर तो मूवी नहीं देख सकते कुछ ना कुछ आ, खाते रहेंगे हमारा मुंह चलता रहेगा फिर इससे से मूवी देख पाएंगे <laughs> और फिर यहाँ से हमने पॉपकॉर्न वगैरह लिए और यहाँ पे एक साइड में ना बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक जगह थी वहाँ मैं पिक्चर्स नहीं ले पाई लेकिन मैं आगे जगह आपको दिखाती हूँ बहुत ही हसीन प्लेस थी वो और अभी हम लेने गए थे पॉपकॉर्न सिंपल पॉपकॉर्न भी थे लेकिन हमें कैरामल पॉपकॉर्न बहुत पसंद है सच में वो बहुत ही मज़े के होते हैं कैरामल पॉपकॉर्न तो हम हमेशा की तरह वही खा रहे थे आज भी और सर्दी बहुत थी इसलिए मैंने अपने लिए चाय ऑर्डर की और इमरान ने अपने लिए स्टिंग वैसे तो मुझे भी स्टिंग बहुत पसंद है अच्छा वैसे मैं हैरान हूँ नॉर्मली जब हम छोटे थे ना तो ये पॉपकॉर्न आते थे गली में तो हम लेते थे पाँच रुपए के ले लिए दस रुपए के ले लिए लेकिन ये मॉल में इस कदर कॉस्टली मिलते हैं कि पता नहीं इन्होंने सोने के पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं ख़ुद ब खुद खाए जाते हैं ये लेकिन महंगाई इतनी हो गई है कि हमें समझ नहीं आती है कि कहाँ से कहाँ जा रही है प्राइजेस और ये है जी वो ब्यूटीफुल सी प्लेस ये बहुत प्यारी जगह थी सच में मेरा बड़ा दिल था यहाँ पिक्चर्स लेने का लेकिन इमरान बोल रहे थे नूर मूवी स्टार्ट होगी और भागो जल्दी से और अभी मैं सिनेमा में जा रही थी बहुत अंधेरा था खौफनाक सा जैसे कोई भूत बंगला होता है और इनकी स्क्रीन बहुत बड़ी थी जैसे पैकेजेस की स्क्रीन इतनी बड़ी नहीं है अगर आपने मूवी देखनी है ना तो यू मस्ट विजिट एम्पोरियम मॉल क्योंकि पैकेजेस की स्क्रीन इतनी मजे की नहीं लगती मुझे एम्पोरियम की स्क्रीन काफ़ी बड़ी थी तो हमें यहाँ बहुत मज़ा आया यहाँ पर सीट्स भी डिफरेंट हैं लाइक अगर आप चाहते हो तो आप सोफ़ा सीट्स ले लो प्रीमियम ले लो और अगर आप नॉर्मल सीट्स लेना चाहते हो तो आप नॉर्मल ले लो तो हमने लास्ट पर ली थी उनके लास्ट पर बैठ के मूवी देखने का बहुत मज़ा आता है फ्रंट पर बैठ के नहीं आता तो ये हम जी साथ हमने चाय एंजॉय की साथ हमने पॉपकॉर्न एंजॉय किया और अभी करें गया था, करता वो कह दी आई तो जो मूवी हमने देखी थी इसका नाम था मोजा ही मोजा बहुत ही मजे की मूवी थी बहुत ज़्यादा फनी थी इसमें एक लड़का तीन भाई होते हैं एक गुंगा होता है एक बहरा होता, होता है और एक अंधा होता है सो जिन लोगों को फनी मूवीज पसंद है कॉमेडी लवर्स हैं उनके लिए बेस्ट है ये मूवी

अच्छा तो मूवी एंड हुई है हमारी दो बजे डेढ़ दो बजे जैसे ही हम सिनेमा से बाहर निकले हैं इतना सुनसान पूरा मॉल ये आप देखें कोई भी नहीं था अब ना बंदा ना बंदे की सिर्फ वो लोग जो सिनेमा से निकल रहे थे वही थे बाकी कुछ भी नहीं था क्योंकि रौनक तो यार जियो से ही होती है मतलब जितने लोग होंगे जितने जी होंगे उतनी ज़्यादा रौनक होगी तो ये मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था मैंने कहा मैम इतना ही खामोश सा और सैड सा लग रहा है लेकिन अभी रात के दो बजे से सबने आराम करना था फिर हम भी घर चले गए अभी हम नीचे जा रहे थे मैंने सोचा आपको सारा का सारा मॉल विज़िट करवाती हूँ मैं ऊपर से जितनी वीडियो बना सकती थी मैंने उतनी बनाई है होप सो आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी इस बहाने जिन्होंने एम्पोरियम मॉल विजिट नहीं किया उन्होंने भी इसको देख लिया है हाँ सफ़ायर जो है ये आजकल बंद है यहाँ पे फॉर टू मंथ्स टू मंथ्स के लिए बंद है तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर ये हैं इसकी एम्पोरियम के बाहर के सीन्स सो गाइज़ इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़ मिलते हैं चाल नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं आपको अल्लाह हाफिज़ टेक केयर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय